साइंस क्लास लेने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगी, तो आप जिस किसी को भी आंसर आता हो तो वो आप बताएं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में ये किस तरह मालूम होता है कि पेड़ खत्म हो चुका है? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आवाज किस तरह बजा होती है? जिस किसी को भी आता है वो हाथ ऊपर करें। आप किसी को मालूम नहीं, सिर्फ निदा को मालूम है, तो बताओ निदा। आवाज अशिया के अंतशार अंतआश से बना होती है। वेरी गुड बेटो। तो आवाज कौन से मुख्तलिफ चीजों से पैदा होती है, तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा लेसन है आवाज यानी साउंड। पढ़ेंगे किसी चीज की
हरकत, हरकत यानी हरकत, हरकती इर्ताश यानी वाइब्रेशन। किसी चीज की इधर उधर या आगे पीछे हरकते इर्ताश वाइब्रेशन कहलाती है। जैसा कि आप सातवीं जमात में पढ़ चुके हैं, जब तने हुए रबर बैंड को खींच कर छोड़ते हैं तो इर्ताश करने लगता है और आवाज पैदा करता है। जब इर्ताश करना बंद कर देता है तो आवाज भी बंद हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि इर्ताश करने वाली चीज आवाज पैदा करती है। कुछ मामलों में इर्ताश बआसानी नजर आते हैं, जैसे ज्यादा मामलों में एम्पलीट्यूड का इतना कम होता है कि हम इन्हें देख नहीं पाते, हालांकि इनमें इर्ताश महसूस करता है। कुछ ऐसे मौसीकी आलत, तो बच्चे इंसानों में आवाज किस तरह से पैदा होती है किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। तो आवाज इंसान के नरकरे या खानाए सूत यानी वॉइस बॉक्स से आती है, जरिए पैदा होती है। तो इंसानों की आवाज कहाँ से आती है बच्चों? अपनी उंगलियों को गले पर रखें और सख्त उभार को तलाश कीजिए जो निकलते वक्त हरकत करता है, नजर आता है, जिसम का ये हिस्सा खानाई सूत कहलाता है। ये जो अलग है ना बच्चों, यहाँ पर उंगली रखकर देखिए, जब आप अपना ये सख्त उभार को तलाश कर निकलते हैं ना, जब आपको ये महसूस होता है उस तरह ही वहां से आवाज निकलती है। ये सांस की नली पॉइंट पाइप के खानाई सूत के आर पार दो घिसाई पर्दे वैकुल पार्ट्स, इस तरह हवा के गुजरने के लिए तंग झरी बन जाती है। तो जब फेफड़े हवा को जोर से झरी के बाहर निकालते हैं तो घिसाई पर्दों में इर्ताश होने लगता है, जिससे आवाज पैदा होती है। घिसाई पर्दों से मुंसलिक उजलात कॉर्ड्स में तनाव पैदा कर सकते, तो आवाज की मुख्तलिफ चेंज हो जाती है। तब जो घिसाई पर्दे को ढीले मोटे होने की सूरत में पैदा होती है। आइए देखें कि घिसाई पर्दे किस तरह काम करते हैं। सर्कल में अंजाम देंगे तो देखिए बच्चों, ये स्केल ये क्या है? स्केल। जब हम इसे टेबल पर रखते हैं और ऐसा करते हैं तो गड़गड़ाहट पैदा होती है। ये क्या कर रहा है बच्चों? वाइब्रेशन यानी इर्ताश पैदा कर रहा है। तो बच्चों, ये अभी हमने सर्कल में अंजाम दिए है इसके मतलब, तो अब मैं आपको लेसन खत्म करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप यहाँ पर आइए और बोर्ड पर लिख कर जाइए। इंसानों में आवाज कहाँ से पैदा होती है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंसानों में आवाज कहाँ से पैदा होती है? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ आवाजों की फहरिस्त बनाई है। कल आप ये होमवर्क कर लेकर